ये सामने ऊपर की ओर लोअर सिन्हुआ है। अब हम उधर से चल के अब इधर चामरंग की ओर जा रहे हैं और बस ऐसे ही धीमे धीमे चलते हुए। आज थोड़ा बीच का वीडियो छूट गया था क्योंकि बैटरी लो हो गई थी, तो अभी हमने फिर से मोबाइल चार्ज करके और अब जा रहे हैं चामरंग के साइड में। कल तो हमारा टारगेट बैम्बू था, बैम्बू में हम रुक गए थे वहीं पे, फिर बैम्बू से आज सिन्हुआ आए और वहाँ पे हमने लंच किया। अब जा रहे हैं चामरंग और चामरंग में, और ये ब्रिज देखिए आप, सस्पेंशन ब्रिज, थोड़ा ब्रिज हिल रहा है तो दो लोगों के चलने से हिलेगा ही और सिंगल के चलने से भी हिलेगा। तो अभी आप इस ब्रिज का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, और इधर ये नदी है इसके नीचे से जा रही है। होप कि आपको ये अच्छा लगे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। इधर से देखिए ये नदी इधर से आ रही है और इधर को जा रही है और ये आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। और अभी हमें ऊपर को चामरंग की साइड जाना है, ऊपर को चामरंग की साइड जाना है, तो चलते हैं। आज हमें गांधरू पहुंचना है जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की है, तो वहाँ से फिर आगे नया पुल जाएंगे बाइक से, गांधरू से, गांधरू से नया पुल बाइक से। तो चलते हैं धीमे धीमे। एक बार आप इस पुल को फिर से देख लीजिए, ऊपर वहाँ पे लोअर सिन्हुआ है और अब चलते हैं चामरंग की उस साइड। यहाँ पर आने से पहले अगर कोई अच्छा पावर बैंक लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैटरी जल्दी ड्रेन होती है एल्टीट्यूड की वजह से, हायर एल्टीट्यूड पे बैटरी ड्रेन होती ही है। तो अच्छा पावर बैंक होने से आप लगातार वीडियो शूट कर पाएंगे, या फिर अगर आपके पास गोप्रो है या कुछ और है तो दो तीन बैटरी उसकी एक्स्ट्रा रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का भी अलग से कॉस्ट लेते हैं सिन्हुआ के बाद। सिन्हुआ तक तो आप फ्री में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चार्ज पड़ता है पर डिवाइस। चलिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आगे चामरंग पहुँच के कंटिन्यू करूँगा।